हीरो बनने वाले शेयर हैं, और इससे पहले हम आपके सामने पांच शेयर तो रख चुके हैं। दिवांशी हमारे साथ हैं, दीपाली आपको एनालिसिस करके बता रही हैं वो सारे शेयर्स कौन कौन से, और विकास शेट्टी जी बकायदा उसका एनालिसिस करके ये बता रहे हैं कि शेयर के अंदर कितना डेप्थ है, और लेवल के हिसाब से भी आपको बता रहे हैं कि कहां तक भाव 2019 के अंदर आ सकते हैं। अब इस सूची को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फोर्स मोटर, दिवांशी इसमें क्या करना है? इसके अंदर 50% की गिरावट है, ये फोर्स 2019 में दिखाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा कि जिस तरह से उन्होंने रोल्स रॉयस के साथ एक जीवी किया है, करार किया है, उसके मुताबिक वो उनको इंजन सप्लाई करेंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और वहां से काफी आय बढ़ने की भी यहाँ पे आशा दिख रही है। तो नवंबर की जो बिक्री थी वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रही थी, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में लगातार हमने देखा थोड़ा करेक्शन आया है। यही नहीं, हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से नए लॉन्चेस यहाँ पे कंपनी कर रही है वो भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हाइब्रिड व्हीकल्स या ई व्हीकल्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा, इसमें भी कंपनी डील करती है, और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे कंपनी की ज्यादा पकड़ है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वॉल्यूम्स यहाँ पे लगातार 2019 में बढ़ने की ही आशा बन रही है, और जिस तरह से वैल्यूएशन सब बन रहे हैं, तो ओवरऑल ऑटो कंपनीज में से फोर्स मोटर एक लॉन्ग टर्म बेट आपका बन सकता है, सिर्फ 2019 के लिए नहीं लेकिन लंबे समय के लिए फोर्स मोटर्स ऐसा है जो आप रख सकते हैं और यहाँ पे रिटर्न्स मिल सकते हैं आपको। ठीक है, फोर्स मोटर होगा एक अच्छा बेहतरीन रिटर्न देने वाला शेयर 2019 का। तो विकास जी लगाइए इस पे मोहर फोर्स मोटर पे, और बता दीजिए टारगेट। नहीं बिल्कुल डिम्पी, ये भी एक बहुत ही शानदार कंपनी है, फिरोदिया ग्रुप की कंपनी है। स्टॉक में एक भारी गिरावट आई है, 3800 के लेवल से घट के 1650 के लेवल्स पे आ गया है, बट फंडामेंटल्स अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है इस प्राइस पे वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हो गए हैं। स्टॉक अपने करंट ईयर की अर्निंग्स पे 14 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा एक साल का लक्ष्य रहेगा 2250 रुपए का। ठीक है, एक और शेयर भी है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है इस समय, फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर। तो दिवांशी जरा मेरे को एक फर्टिलाइजर की कंपनी आपकी सूची में है जो 2019 के अंदर एक ऐसा शेयर बने जो कि चलने वाला हो। बिल्कुल, आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। सबसे पहले तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इलेक्शन पे आप बार बार कहते हैं कि यहाँ पे एग्री पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, यहाँ पे जो फार्मर्स है उनका कर्ज माफी पे भी बात चल रही है, तो बहुत ज्यादा फोकस होगा कि यहाँ पे जो एग्री प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे बिकेंगे, और यहाँ पे जो आय है वो बढ़ती हुई भी दिख सकती है। यही नहीं, आरसीएफ क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बिजनेस में कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूरिया ये सब में डील करती है, तो इन सब की जो आय है और मार्जिन से यहाँ पे थोड़े से बढ़ने की ही उम्मीद यहाँ पे लगाई जा रही है। यही नहीं, माना जा रहा है कि जो सेल्स है 2022 तक यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ेंगे, और साथ ही जिस तरह से हम कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस इस स्टॉक में भी फिलहाल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हैं। तो मेरा फोकस यही है कि इलेक्शंस हैं आने वाले साल में, और साथ ही जिस तरह से एग्री पे फोकस है तो इस स्टॉक पे और यूरिया केमिकल जो बिजनेस है यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और आरसीएफ के लिए ट्रिगर आप बताइए, चेंबूर में जो इनका लैंड है वो अगर बिकेगा, डिमोनेटाइज होगा, तो इनकी जो रीरेट होगा ये स्टॉक वहां से वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। विकास जी, कई सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि शेयर आप दोगुना तीन गुना होने की भी क्षमता रखता है, लैंड वाला हिस्सा है इसका ऐसा जिसके जमीन है उसके पास ही आज की रेट में अच्छा पैसा भी है, वैल्यूएशन भी है, तो आरसीएफ को इसी चीज पे ध्यान रखते हुए रखें ना अपने पास। नहीं बिल्कुल डिम्पी, जिस तरह से देवांशी और दीपाली दोनों ने बताया स्टॉक अच्छा है, और मेरा ये मानना है कि चूंकि अब इलेक्शंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है और सरकार का बिल्कुल फोकस रहेगा एग्री इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तो जो फर्टिलाइजर सेक्टर है उस पर एक पॉजिटिव रहना चाहिए। और इसके अलावा भी जो सरकार ने हाल ही में एक वीकली सब्सिडी की बातें करी है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, वो भी एक बड़ा बेनिफिट होगा इस कंपनी के लिए। और जो इनका लैंड बैंक ऑलरेडी है, प्लस जो लैंड इन्होंने ईस्टर्न फ्रीवे के लिए बॉम्बे में जो इनसे सरकार ने लिया उसको कंपेंसेट करने के लिए सरकार ने इनको TDR के जरिए कंपेंसेट भी किया है, तो इन सबको देखते हुए मुझे करंट लेवल्स पे आरसीएफ अच्छा लगता है। मेरा एक साल का लक्ष्य रहेगा 90 रुपए का, बट अगर आप 2-3 साल तक होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली 2-3 गुना ये स्टॉक बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो 2-3 गुना भी ये शेयर हो सकता है, इसलिए यही रात हम ज्यादातर एक्सपर्ट से सुन भी पा रहे हैं कि आरसीएफ को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें, 2019 का एक कमाल करने वाला हीरो बनने वाला शेयर है। अब चलते एक आखिरी शेयर दीपाली से और चल लेते हैं, वो है हुडको। रोटी कपड़ा और मकान में मकान सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी को लेकर ही 2014 में सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी, 2019 के जब चुनाव होंगे तब भी सबसे ज्यादा बातचीत होगी। हालांकि डिम्पी 2018 में स्टॉक चला नहीं अच्छी कंपनी होने के बावजूद भी, और सब निवेशकों के मन में ये सवाल
कि ये स्टॉक चलता क्यों नहीं, इनफैक्ट जो हमारा स्पेशल सेगमेंट हुआ करता था उसमें भी ये स्टॉक शामिल किया गया था, लेकिन शायद ये 2019 में धमाल मचाता हुआ दिखे। सरकारी कंपनी है, मिनी रतन स्टेटस है इस कंपनी के पास, और जैसे कि आपने कहा रोटी कपड़ा और मकान, मकान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सरकार के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको ये कंपनी फाइनेंस करती है। अब क्योंकि ये चुनावी साल है, हो सकता है सरकार की ओर से फिर से कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग पर या फिर हाउसिंग से जुड़ी हुई कुछ अनाउंसमेंट आए, अगर ऐसी आती हैं तो जो भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसको जो फाइनेंस करेगी वो हडको करेगी। और भी इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में हमने देखा भी कितने सारे ऐसे प्रॉपर्टीज रही हैं जिनको एनबीसीसी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है, तो जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये फाइनेंस करती है। तो ऐसे में अब आगे जाते हुए अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है लोन सैंक्शन की, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर कंपनी कामकाज कर रही है, और अब तक जो कुल लोन सैंक्शन किए हैं कंपनी ने वो 6900 करोड़ के आसपास के हैं। तो अगले साल चुनावी साल होने की वजह से भी और उसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज काफी दिख रही है हडको में। जब सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ी फाइनेंस करने वाली कंपनी है, तो क्यों उससे 2019 में दूर रहा जाए। तो रियल एस्टेट और रियल एस्टेट को फाइनेंस करने वाली कंपनी हडको, इस पे आप जरूर ध्यान रखें। विकास जी जरा जल्दी से इस पे भी आपकी राय चाहिए। बिल्कुल, इस पे भी खरीदारी करने की सलाह है, एक अच्छी क्वालिटी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बट स्टॉक में 50% की गिरावट हमने देखी है जो कि पूरे ही हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में हुआ है जो लिक्विडिटी की क्राइसिस के कारण, बट मुझे लगता है अब चीजें बदल रही है। और इसके अलावा इनका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम है, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है और वैल्यूएशन सब अच्छे हो गए हैं। स्टॉक मुझे इन लेवल्स पे अच्छा लगता है, मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। एक साल का लक्ष्य रहेगा 65 रुपए का।